मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती कमला सरकार गिरे, लेकिन अगर सरकार खुद ब खुद गिर रही है तो हम क्या करें। मामला उनके घर का है, आरोप हम पर लगाते हैं, उनका काम केवल आरोप लगाना है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि कमलनाथ सरकार में किसान, बच्चे, माताएं, बहनें सब परेशान हैं। पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। कांग्रेस के विधायक सरकार से खुद परेशान है। शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के आरोपों को लेकर कहा उनका काम केवल आरोप लगाना है। दिल्ली आने के बाबत शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेरा तो दिल्ली आना जाना लगा रहता है। हमने पहले भी कहा हम ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है, लेकिन अपने बोझ से अगर कुछ होता तो वो जाने। मैं तो दिल्ली आते जाता रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी जी, जब दिल्ली बुलाते हैं जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी काम से जाता हूँ और अभी आकर जा रहा हूँ। दिग्विजय सिंह को इससे क्या लेना देना, मैंने क्या किया। बाकी उनका काम केवल आरोप लगाना है। अब इतने गुट है कांग्रेस में कि आपस में मारामार मची हुई है और आरोप हम पे लगाते हैं, इसका अर्थ क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।